नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का पाल वर्ल्ड की ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में मैं एक खतरनाक चैलेंज देने वाला हूँ, जिसमें आज मैं दो सुपर स्ट्रांग ब्रोकन पाल्स को पकड़ने वाला हूँ। और ये सब करने का मेरा मन भाई कल के एपिसोड के बाद किया है, क्योंकि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड में मैंने क्रिस बोल्ट और अनुबिस को ब्रीड किया। और उसके बाद तो यार उन दोनों को क्या बोले पाने के बाद मेरे को लगा कि मैं भाई सातवें आसमान पर पहुंच गया। और अब डेंजरस चैलेंजेस लेने का भी मन कर रहा है मेरा। सो वो तो लेंगे अपन, बट उससे पहले कुछ प्रिपरेशंस कर लूँगा। बिना तैयारी के जाऊँगा तो भाई बिठा के आऊँगा। सो सबसे पहले केक बनाते हैं, क्योंकि मुझे और भी पाल्स नए नए मस्त मस्त पाल्स ब्रीड करने हैं। अरे यार ये क्या कैसा पाल है भाई, काम पे लगा रहा हूँ जा नहीं रहा है साला। गुड बकरा बकरी जो भी है भाई जा तो। अरे देखो यार कैसे कैसे पाल्स है मेरे पास, जिस काम के लिए रखा हूँ वही नहीं कर रहा है। रुको आज अगर नहीं किया ना तो इसका कबाब बना देंगे, मटन कबाब बनेगा। एंड कर सकते हैं यार इस गेम में तुम्हें अगर नहीं पता हो तो, बट वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करता हूँ। और चलो कैंपायर भाई तेरे को यहाँ बगल कुकिंग पॉट में लगा रहा हूँ। यार क्या पाल है भाई, छोड़ो मैं थक गया भाई। एंड मैं कुछ आइटम्स बनने दिया हूँ, सीमेंट कोई नहीं बना रहा है भाई, कहाँ चले गए काम करने वाले। चलो उठा लेता हूँ, इतने काफ़ी है। ये सीमेंट इसलिए बनवा रहा हूँ कि वो रेड वाले स्पीयर बॉल्स बना पाऊँ, ताकि ओपी बॉस पास को भी पकड़ पाऊँ। मेडिसिन भी किसी ने भाई आधा बना के छोड़ दिया, ये पाल्स ना भाई हर काम आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। एंड उधर मुझे मेमोरस्ट दिख रहा है जिसको मैं असाइन नहीं किया हूँ, तो ये शायद से एनिमी वाला मेमोरस्ट हो। एंड अभी मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर समझता हूँ, सो इन क्या बोलो इन मेमोरस्ट को जहाँ भी देखता हूँ उनकी पिटाई पर उतर जाता हूँ। और अनुबिस क्या लग रहा है, इस मोटे हाथी की पिटाई होगी? ओ भाई ये तो अपने बेस की साइड जा रहा है भाई, पीट देंगे इसको अपने पास। सो चलो आकाश करते हैं इसको पीटने का। और हाँ मैं बोल ही गया, ये गन भी मैंने बनाया है, शॉटगन देख रहे हो यार क्या डैमेज पड़ा। और अब देखो इस हाथी की ऐसी पिटाई होने वाली है ना कि आजा आजा इधर आजा। अरे भाई मेरा बेस मत तबाह कर। एंड देख रहे हो रेड में 1% दिखा रहा है, इतना भाई कभी नहीं दिखाता। और ये गया भाई हमारा ब्लू डायनासोर से फाइट करने, देखो उसका हेल्थ कितना गिर रहा है। मैं ये ट्रिक बताया था ना बहुत, क्या बोले कुछ जो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पास होते हैं उनके लिए तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। उनके सामने बेस बना दो और बहुत स्ट्रॉन्ग पास को उस बेस में असाइन कर दो, उसके बाद पीट दो उसको। एंड यार मेमोरस पकड़ने का ट्रिक इतना ईजी था, ये पता चलता तो भाई झूठ मूठ का वो आधे घंटे का मेहनत नहीं करने जाता। और भाई दो तीन को तो इसने पीट भी दिया है, देख रहे हो दो तीन पास मेरे पिंट भी हो गए हैं। कोई ना उनको वापस भेज देंगे पाल बॉक्स में, तो वो थोड़ी देर में हील हो जाएंगे। एंड यार इतने स्ट्रॉन्ग पास कैसे पीट गए? अच्छा इनका लेवल नहीं है भाई इस और सर को, तो तुमने यार पिछले एपिसोड में जान ही लिया होगा उसके बारे में। अगर अभी भी नहीं जान भी इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और सर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पाल इन पाल वर्ल्ड, बोले तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक टाइप पाल है और एक ड्रैगन भी। एंड और सर तुम्हारा बिल्कुल मुझे कारचोम की तरह दिखता है यार, डिट्टो बस इलेक्ट्रिक टाइप कारचोम पे। यार किसी ने सोचा होगा भाई ऐसा डिज़ाइन, यार पाल वर्ल्ड वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। एंड उसको मैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पकड़ा था, जिसका एपिसोड इन फ्यूचर आएगा। एंड यार ये शॉटगन में डैमेज है भाई 1000 का लिखा हुआ है, और भाई बहुत डैमेज देता है, कोई कोई पाल्स को तो वन शॉट कर देता है 20 लेवल के पाल्स को भी। एंड अरे हमारा अनुबिस गॉड भी पिट गया था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया यार, लेवल बहुत ही कम है इनके, मेरे को इनको कम से कम 20 लेवल के ऊपर लाना होगा, उसके बाद ही ये थोड़े फाइटिंग टाइप मतलब कि ज़िंदा रह पाएंगे बैटल्स में। कितना भी ब्रोकन हो अगर उसका लेवल कम हो ना पाल का, तो वो भाई किसी से भी पिटा जाएगा। एंड फिर से मेरे पास कुछ अंडे आ गए थे, सो चलो इनको हैच करके देखते हैं। पहला तो एक रॉकी एग है, छोटा वाला, इससे उतना खास नहीं निकलेगा शायद। हाँ देखो डोमोड निकला है इससे, चलो अच्छा है। और एक माइनर आ गया, और ये रहा एक क्या नाम है फॉस्टर एग, अरे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ फ्रोजन एग है, इससे तो कोई छोटा आइस पाल निकलने वाला है, सो देखते हैं। और ये सुई है, अरे ये सुई पाल्स बहुत निकलते हैं यार इस आइस टाइप अंडों से। एंड मेरे को लग रहा है अब मैं रेडी हो चुका हूँ इन बॉस पाल्स की पिटाई करने। और पहले बॉस पाल्स जिसकी पिटाई होने वाली वो यूनिवर्स नहीं बूशी है। बूशी यार मैं कब से उसको नोटिस कर रहा हूँ कि पकड़ूंगा पकड़ूंगा, बहुत ही कूल दिखने वाला फायर टाइप पाल है यार। और सेकंड वाला रहेगा रिलैक्सोरस लक्स, और देख सकते हो यार इतने सारे हैवी हैवी पाल्स हैं। जॉर्मन टाइड पता है ना तुम्हें भाई, इस पाल वर्ल्ड का गैराडॉस है वो।
बट 45 लेवल का अभी गया ना तो ऐसा पीटेगा कि यार अनइंस्टॉल करना पड़ेगा गेम। सो पुशी से लड़ेंगे पहले, और पुशी का एक टाइटल भी है एंड ये काइंड ऑफ डंगन बॉस टाइप में, जो कि एकदम वाई एरिया में मिलते हैं और बॉस है बोल के बहुत बड़े भी होते हैं। एंड पुशी को धोने के लिए मैं इस लाइनअप का यूज़ करूँगा भाई, अनुबिस और सर्क है टीम में यार, वो तो गया भाई। एंड बुशी बहुत ही रेयर पाल है, उसको ना मैं अभी तक से इस ओपन वर्ल्ड में एक बार भी नहीं देखा हूँ, मेरे को ये बॉस वाले जगह में ही दिखा है। सो चलते हैं इधर ही कहीं पे, अच्छा उस साइड में जाना है हमें। सो लेट्स सी, देखने में तो सामुराई टाइप का पाल लग रहा है। और एक सरप्राइज गाइस, देखो अब हम एल्फी ड्रैन में भी राइड कर सकते हैं यार, क्या लग रहे हैं ना, अब तो लग रहा हो एकदम ओजी ड्रैगन में उड़ रहा हो जैसा। मस्त है यार एल्फी ड्रैन, बड़ा ही क्यूट है। ये रहा वो लोकेशन जहाँ पे हमें बुशी मिलेगा। एंड एल्फिड्रैन राइडिंग में उतना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है और स्टेमिना ज़्यादा है, और इतना थोड़ा सा है ना कि तुम्हें ज़्यादा अंतर पता नहीं चलेगा वैनरिम से। सो चलते हैं इस डंगन वॉल की, डंगन बॉस की धुनाई करने। एंड ये रहा बूशी वैग्रेंट वॉरियर, भाई ये कौन सा पाल है भाई, देख रहे हो ब्रो, भाई ये तो एकदम सामुराई वाला दिख रहा है, खतरनाक भाई। और ये क्या स्टैंस लेके भाई गायब होके मार रहा है भाई, ये तो डेंजर है यार, ये चाहिए मेरे को भाई, बहुत ही कूल लग रहा है। और अच्छा यार इसका हेल्थ ज़्यादा नहीं है भाई, 1700 का ही है। एंड इतना कूल पाल है यार, इसको तो मेरे को पहले पकड़ना चाहिए था, लेवल 23 का ही है। सो इधर से मैं डैमेज दे रहा हूँ और उधर से एल्फिड्रैम धो रहा है, इतना धो रहा है कि वो बचेगा ही नहीं, बट यार इसके पास तो मस्त सोड वाले अटैक है, सोड स्लैश वाले। एंड ये फिर से स्टैंस में जा रहा है, अरे भाई एकदम देख रहे हो टेलीपोर्ट होके मारता है यार, एकदम रियल सामुराइस की तरह। हाँ भाई ये तो मेरे को भी टारगेट कर रहा है, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और अब इसको तो भाई बोली होने वाला है ये। और सर भाई ऐसा बिजली का झटका देगा ना कि देखो भाई कितना डैमेज दे रहा है भाई। नहीं नहीं तू वापस आ भाई, तू कुछ ज़्यादा ही ये बॉस बैटल ईजी कर देगा। सब गिल क्लॉ को भेजते हैं इस पंछी को, अरे ये क्या है भाई, उड़ते पंछी से भी मार सकता हूँ, फिर से ट्राई मारते हैं। ओके अरे वाह भाई, क्रू हंटर की तरह फील आ रही है भाई ऐसे उड़ते हुए इसको क्रॉस बो मारने में। ओ भाई भागो भागो, फिर से स्टैंस ले रहा है भाई, ये अटैक से नहीं बच सकते क्या। एंड मेरे को इन बॉसेस को पकड़ना है, सो अब पोके बॉल फेंकते हैं, बोले तो स्पीयर बॉल्स, रेड वाला ही भाई, रेड वाला कैसे फेंक रहा है, अरे यार ऐसे ही बनाने में इतना महंगा पड़ता है और उसको मैं वेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में तो निकल गया यार, 37% था फिर भी, और थोड़ा डैमेज दे देते हैं या चलेगा, चल यार मेल पाका, थोड़ा सा डैमेज देना भाई, ज़्यादा मत देना। ओ भाई भाई अरे यार ये तो मार देगा भाई, वापस आ मेल पाका, मेल पाका बोल रहा हूँ, किंग पाका है भाई, और लग रहा है पकड़ लेंगे। एंड फाइनली यार एक और खतरनाक पाल हमारा हुआ, खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि इसका मैं तुम्हें दिखाऊंगा पाल डेक नंबर भी दिखाऊंगा, साथ में उसका यूज़ केस भी, अभी दिखा देते हैं। बूशी 50 से ऊपर होना चाहिए भाई, कोई हाल में उससे नीचे नहीं होगा ये। ओके भाई 50/72 नंबर भाई, किंडलिंग 2, हैंडीवर्क 1, लंबरिंग 3, बाप रे ट्रांसपोर्टिंग 2, गैदरिंग 1, भाई बहुत ये तो हैवी पाल है भाई बेस के लिए भी। इनफैक्ट सबसे अच्छा चीज़ ये लगा मुझे कि इसका लेवल 2 का किंडलिंग है यार, क्योंकि अभी तक से मेरे पास जितने भी पाल है उनका लेवल 1 का किंडलिंग है, और खाना पकाने में तो देरी करते ही है, इनगट ये सब बनाने में भी बहुत देरी करते हैं। एंड दूसरे पाल जिसकी हम शिकार करने वाले हैं उसका नाम है रिलैक्सोरस लक्स, जो कि थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और रिलैक्सोरस ना ड्रैगन टाइप ही रहते हैं, वो जो नॉर्मल ब्लू वाला है वो तुम्हारा वाटर और ड्रैगन टाइप रहता है, ये शायद से ड्रैगन और ये इलेक्ट्रिक टाइप होगा, काइंड ऑफ ऑर्सर की तरह। एंड रिलैक्सोरस लक्स बता दे रहा हूँ इस टाइम के हिसाब से, इस टाइम क्या 40 लेवल तक सबसे स्ट्रांग मेरे को लगता है इलेक्ट्रिक टाइप पाल है, ग्रेस बोल्ट को छोड़ दो। एंड ऑर्सर टाइप ऑफ एंड गेम पाल है, जिसको मैं गलती से पहले पकड़ लिया तो क्या बोलूँ गाइस, उसको देख के रहा नहीं गया यार, वैसा वर्जन का गार्चो भाई चाहिए था मेरे को, खैर कोई ना। और यार भाई देख रहे हो खतरनाक नहीं दिख रहा, अरे बाप रे ये तो बहुत अग्रेसिव है। एंड अरे कैसा दौड़ रहा है भाई ये ड्रैगन, देख रहे हो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एकदम भाई। बट बेचारे को पता नहीं वो किससे लड़ रहा है, 100 पाल डेक नंबर वाले पाल अनुबिस से, भाई बैंड बजा देगा उसकी क्योंकि ग्राउंड टाइप है, और भाई डबल डैमेज देगा। ओके अरे डॉज कर ले रहा है, अच्छा डॉज नहीं कर रहा है, ये मेरे पीछे पड़ा है,
एंड ये शॉटगन मेरे से चल नहीं रहा है, हर बार मिस हो जाता है यार, बड़ा यूम होगा। देखो फिर मिस हो गया, और लग रहा है मेरे को जूम करके मार रहा हूँ इसलिए मिस हो जा रहा है। और देख रहे हो यार अनुबिस भाई क्या पाल है भाई, सोलो इस बॉस पाल को धो दे रहा है। एंड लेवल भी कम ही है, 28 का ही है, एंड वो ठहरा 31 का। एंड मेरे को लग रहा है ना हमने जिस पूछी को पकड़ा है, अगर हम उसको मेमोरिस्ट के अगेंस्ट भेजते हैं थोड़ा ट्रेन करके 25 लेवल के आसपास, तो वो बहुत मस्त डैमेज देने वाला है। एंड लास्ट में एक अल्टीमेट ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन फेस ऑफ भी कर लेते हैं, और चलो मैं पकड़ने का भी ट्राई करता हूँ इसे भी, जिसको फर्स्ट ट्राई में निकल गया। ओके भाई भागो भागो भागो, देख लिया मेरे को, छिप रहा हूँ इससे। अरे यार लुका छुपी हो रही है यहाँ तो, इसमें मैं तो एक्सपर्ट हूँ, देखा कैसे डच किया। हाँ एक दो क्रॉस बो मारूंगा और उसके बाद फेंकेंगे। आईपीएस पियर बॉस इस वाले में पकड़ लूँ यार, अब लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा उस्सा गया है भाई। फिर से निकल गया और डैमेज देना होगा। अच्छा 400 हुआ है, 200 तक का हेल्थ लेके आ जाते हैं इसका, उसके बाद सही रहेगा। और यार एलपी ड्रैम उसके सामने बच्चा जैसे लग रहा है भाई, कितना बड़ा ड्रैगन है। कोई ना तेरी आज मौत तय है। फिर से 9% 26 प्लीज यार, इस बार भाई कितना कितना रेड बॉल फेंकवाएगा भाई, ऐसे ही महंगे हैं बहुत बनाने में। ओ भाई पकड़ा गया मैं, निकलो निकलो यार, क्या डैमेज था भाई, पूरा शॉक और स्टन हो गया था मैं तो। पेशेंस पेशेंस यार, मिलेगा मौका मुझे। 300 हुआ हेल्थ, और भाई मेरा एल्फी ड्रैम मार तो रहा है, लेकिन ये मेरे को इतना चेज ही कर रहा है ना कि मेरे पास के डैमेज भाई डॉज हो जा रहे हैं, बोले तो अटैक्स डॉज हो जा रहे हैं। और भाई इसके अटैक लग रहे हैं यार, बहुत लग रहे हैं मेरे को। अकिन पाका मार तो इसको भाई, अटैक करना था भाई, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा था। लगता है मेरे पास थक गए हैं, अभी किसी को अनुबिस ये सब को भेजूंगा तो भाई पीट देंगे इसको, इसलिए उनको नहीं भेज रहा हूँ। क्रॉस बो से ही मारता हूँ, लेकिन भाई डॉज कर रहा है मोटा सा इस बार। 26% कमांड कमांड, बहुत देर से हाइपर स्पीयर वन फेंक रहा हूँ। 59, ओ यार फाइनली ये थंडर ड्रैगन हमारा हुआ। एंड मेरे को लगा था रिलैक्सोरस भाई ग्लटन एबिलिटी के साथ आते, लेकिन ये तो नहीं। और रिलैक्सोरस भाई 85 नंबर का पाल है, नोटिस ही नहीं किया यार। इसका थंडरिंग देखो, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वर्जन 3 और ट्रांसपोर्टिंग 1। हैवी पाल तो है यार, स्ट्रांग पाल है, दिखाऊंगा मैं भूशी और तुम्हें रिलैक्सोरस लक्स की ताकत दिखाऊंगा। लेकिन शायद से वो हो सकता है मैं तुम्हें वो अगले एपिसोड में दिखाऊँ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ उन दोनों पास को एकदम करीब से। उस दंगन में अंधेरा था तो ये थोड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे। सो वापस आते हैं अपने बेस में और चेक करेंगे दोनों को। अरे कौन है भाई डिस्टर्ब कर रहा है, जाने दे भाई। एंड वो 20 का ग्रुप था जिन्होंने मेरे को टीवी करने में, बोले तो फेस करने में डिस्टर्ब कर दिया था। सो यार पूसी को देखते हैं भाई, बड़ा सामुराई पाल यार, बहुत मस्त डिज़ाइन है इसका। एंड वो यार इसका फेस देख रहे हो, बड़ा ही इमोजी टाइप का फेस है इसका, ये तो देख लिया इसको हमने। अब इस डायनासोर को देखा जाए, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है यार, मेरे को लग रहा है ब्रॉन्चेरी जितना बड़ा है। हाँ यार एकदम उसी के टक्कर का है, इनफैक्ट स्लाइटली बड़ा भी है यार। क्या पाल्स मैंने पकड़ लिया है ना, अब तो लगता है बेस में फुल डायनासोर पाल्स रखा हूँ। सो गाइस आज के एपिसोड में इतना, इन दो ओपी बॉस पाल को पकड़ने के बाद अब इनको यूज़ करके टेस्ट करना है, उसके बाद ही मैं कोई नया बॉस पाल पकड़ूंगा, जो कि करूंगा अगले एपिसोड में। एंड ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट था बट एक्शन पैक था। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो। साथ ही अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, ऐसे ही मज़ेदार पालवर्ड गेम प्ले के एपिसोड देखने के लिए। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन द गुड्स द बॉयज़।